वेलकम टू स्नेहा बी किचन। आज स्नेहा बी किचन में बन रही है पनीर धनिया अदरक की, जिसके लिए मैंने ये कुछ सामान निकाल के रखा है, जिसमें है टमाटर 3, काजू, हरी मिर्च और 2 प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, कुछ अदरक के लच्छे हैं जिसे मैंने काट के पानी में डाल के रखा है, और ये पनीर है और ये हरा धनिया है। साथ में मैं लहसुन और अदरक भी रख ली हूँ। तो चलिए मैं इसे आपको आज बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बनाइए और बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें ये 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ और इसमें मैं ये चॉप किया हुआ प्याज को डाल दूँगी और इसे भी इसे मैं हल्का सा ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लूँगी, ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से मतलब ब्राउन हो जाए। सॉरी फ्रेंड, मैं ना इसमें अदरक डालना भूल गई थी। तो इसी में मैं क्या की हूँ, ये देखिए सारा साइड करके प्याज, और उसमें मैं ये 1 चम्मच जैसा ऑयल डालूँगी और उसी पे अदरक में डाल दूँगी, और अदरक डालने के बाद इसे भी मिक्स करके अच्छा से फ्राई कर लूँगी। ये अदरक चॉप किया हुआ है, इसे मैं मतलब ग्राइंड करूँगी, इसलिए मैं इसे रफली चॉप कर ली हूँ और इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी जब तक कि हमारा प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और इसी में मैं ये लहसुन काट छील के रखी हूँ, 4 से 5 दाने हैं लहसुन के, इसे मैं इसे भी मिक्स कर लूँगी इसमें, ताकि हमारा जो लहसुन भी है उसका भी स्मेल चला जाए और अच्छे से ये पक जाए। साथ में मैं इसमें 3 टमाटर जो मैं कट कर ली हूँ रफली, और इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए हमारे जो टमाटर, प्याज और अदरक है, इन सबको मैं अच्छा से फ्राई करूँगी। साथ में नमक में कुछ ऐड कर दी हूँ, ताकि हमारा जो टमाटर है और जो सब मसाले हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इसे भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमारे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब सॉफ्ट हो गई है। तो इन सबको मैं क्या करूँगी, निकाल कर एक मिक्सी के जार में मैं रख लूँगी और इसे ठंडा करके पीस लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं ये 1 से 2 चम्मच ऑयल डाली हूँ, साथ में 1 टुकड़ा बटर का डाली हूँ, ताकि जो हमारा बटर है वो जले ना, इसलिए मैं इसमें ऑयल डाली थी पहले। और इसमें 1 इंच मैं दालचीनी, 2 से 3 लौंग और 2 से 3 इलायची डाल दी हूँ। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच जैसा जीरा डाली हूँ, गोटा जीरा, और ये 1 तेज़पत्ता ऐड करती हूँ। इसे मैं 30 सेकेंड के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ताकि जो हमारा तेज़पत्ता और जीरा है ये अच्छा से फ्राई हो जाए, इसका स्मेल, इसमें खुशबू आ जाए इसका। ये देखिए अब मैं इसमें बारीक कटी हुई ये हरा धनिया को ऐड कर दे रही हूँ। ये मैं ऑयल में ही ऐड की हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर इसे अच्छे से चला लूँगी। अब मैं इसमें ये अदरक की जो जूलियंस है मैं इसे भी डाल दे रही हूँ, साथ में मैं थोड़ा सा जूलियंस को गार्निश के लिए रख लूँगी। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हरी मिर्ची है जिसे मैंने बीच से ऐसी काट कर डाल दिया है, और साथ में जो काजू था हमारा उसे भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और काजू का पेस्ट भी इसमें मैं ऐड करती हूँ। इसे भी 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं जो हमारा टमाटर, प्याज और लहसुन, अदरक का पेस्ट था इसे भी ऐड कर दी हूँ। इसका जो सारा मसाला था इसे भी मैं अच्छे से ग्राइंड करके और इसमें मैं डाल दी हूँ, और इसे भी फ्राई कर लूँगी। और अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैं ये है हमारा गोलकी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, और ये चिकन मसाला पाउडर है इसे मैं 1 चम्मच डालूँगी। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च, कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, और साथ में मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी।
ये देखिए, अब मैं मसालों को अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि मसाले अपना ऑयल ना छोड़ दे। इसे इसमें मैं कस्तूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये कस्तूरी मेथी है, इसे मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ और इसके बाद इसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हमारे मसाले से ऑयल छोड़ने लगे हैं मसाले, ये देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं ये पनीर अपना काट के ऐड करती हूँ। पनीर मैं ऐसे ही डाली हूँ, इसे मैं कोई फ्राई नहीं की हूँ, ताकि इस ऐसी पनीर डालने से क्या होता है ना कि पनीर एकदम सॉफ्ट रहते हैं, और अगर फ्राई कर लेने से पनीर सॉफ्ट नहीं रहती, वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। पनीर डाल करके फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूँ। पानी डाल के इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और कम से कम 2 से 3 मिनट इसे उबलने दूँगी। साथ में मैं थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करके डाल दी हूँ। ये देखिए, ऐसे डालने से और भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई नई रेसिपी हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड लास्ट में मैं इसमें ये मलाई डाल रही हूँ। मलाई मेरी घर की है इसलिए मैं इसमें ऐसे डाल दी हूँ। और मैं इसमें हरा धनिया और अदरक ऐड कर दूँगी, जिसे मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बचा ली थी। ये देखिए, मेरी पनीर की रेसिपी एकदम रेडी हो गई है। पनीर धनिया अदरक की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। Thank you.